तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नए ब्लॉग में। उम्मीद है अच्छे होंगे और कमेंट तो ज़रूर करेंगे, तो बने रहिएगा, फॉलोअप जरूर करके जाइएगा। और अभी ना मॉर्निंग का टाइम है, मैं हमेशा की तरह जब बच्चों को स्कूल भेजना होता है जैसे उठती हूँ उसी टाइम मैं उठी थी, और टिफ़िन वगैरह मैंने तैयार कर लिए हैं, बच्चे तैयार हो गए हैं, बस मुझे उनका लंच पैक करना है और उनको भी खाना देना है, यानी अभी ब्रेकफास्ट देना है। तबीयत थोड़ी ख़राब है, यानी कोल्ड एंड कफ हो गया है, तो मेरा आवाज़ थोड़ा सा आप लोगों को चेंज लग रहा होगा, तो उसके लिए सॉरी। और अभी जो है मैं इनको सारा जो इनका काम है मैं करके इनको दे दूंगी, और इनका जो बस्तक है मैं इनको छोड़ के चली आऊँगी। उसके बाद जो है ना, रात में बहुत बारिश हो रही थी और बारिश के कारण कभी कभी ऐसा होता है जो बारिश होती है तो कीड़े बहुत सारे आ जाते हैं पंख वाले, तो मैंने बहुत सारा ब्लॉग में आप लोगों को बताया है कि वो जो होते हैं ना पंख छोड़ के चले जाते हैं, तो पूरा आंगन मेरा गीला हो रखा है और पूरा पंख पंख है, सो बहुत गंदा दिखता है। तो आते मात्र ना मैं पहले उसको वॉश करूँगी, इन लोगों को पहले मैं छोड़ के आऊँगी। तो यहाँ मैं बोतल भर रही हूँ और इनको मैंने दे दिया है, रात में मैंने सेवई बनाई थी तो बस ये लोग छोटा सा मतलब हल्का फुल्का सेवई खा के जा रहे हैं। अभिनव का तबीयत आज ख़राब था तो वो बहुत कम खाए हैं, पता नहीं आज पूरा क्लास कर भी पाएंगे कि नहीं। वैसे फिर भी मैं बच्चों का जब तक पूरा ऐसा नहीं होता कि जब तक वो जाने लायक ना रहे तब तक मैं स्कूल भेज ही देती हूँ, क्योंकि आजकल पढ़ाई जो है बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है और मेरे बच्चे स्कूल मिस भी नहीं करते और कोई बहानेबाजी नहीं करते कि मुझे स्कूल नहीं जानी है, चाहे ये चाहे वो कुछ वगैरह, जैसे बच्चे ये करते हैं ना स्कूल जाने के लिए, कभी नहीं मेरे बच्चे करते हैं। तो बस यहाँ पानी भर रही हूँ, लंच पैक हो चुका है, बस बैग में डालना है और इन लोगों को मैं लेके बस स्टॉपेज तक जो है छोड़ दूँगी। तो बस टिफ़िन वगैरह रख चुकी हूँ, इनका जूता कल लेस जो एंजल का बचा हुआ बांध के मैं अब बस स्कूल से मतलब स्कूल बस तक इनको छोड़ के आ जाती हूँ, और उसके बाद जो है मैं लग जाऊँगी फिर से अपने काम में। और मैं यहाँ जो है आंगन को अच्छे तरह से आज धोऊँगी, और देखिए मैं आ भी गई हूँ, और आज ना मैं नीचे कैमरा करके दिखाऊँगी आपको, शायद दिख जाए आप लोगों को, बहुत सारे पंख रहते हैं। तो यहाँ ना चप्पलों पर भी पड़े हुए थे तो मैं चप्पल को पहले धो ले रही हूँ सारे को, और उसके बाद जो है मैं आंगन धोऊंगी। फ्रेंड, छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोग फुल वॉच जरूर करके जाइएगा, और जो भी नए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और बेल बटन हिट कर लीजिएगा ताकि आपको सही समय पर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो देखिए मैं यहाँ अब लग गई हूँ, पहले मैं ना अच्छे से झाड़ू कर चुकी हूँ, बस मुझे अब धोना है, क्योंकि बिना झाड़ू किए हुए मैं नहीं धो सकती थी, क्योंकि ओढ़हल का जो फूल होता है पत्ते होते वह झड़े हुए थे। तो मैं ना पहले झाड़ चुकी हूँ आंगन को, उसके बाद जो है पानी से अच्छे तरह से वॉश करूँगी।
तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को नहीं दिख रहा है मगर मैंने कोशिश की थी दिखाने की कि नीचे तरफ से कैमरा करके रखूँगी ना तो शायद आप लोगों को दिखेगा, मगर बहुत सारे पंख रहते हैं और बहुत ना अजीब सा फीलिंग आती है जो रहेगा ना तो आंगन में बैठने का भी मन नहीं करता। तो बस यहाँ देखिए पूरे में पानी जो है मैंने बिखेर दिया है। अब जो है मैं इसे धीरे धीरे करके साफ़ कर रही हूँ और बहुत पतले पतले पंख रहते हैं तो इसलिए शायद आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा। और 2 से 3 बार मैं पानी धीरे धीरे करके मार के साफ करूंगी। तो साथ में मैंने सोचा कि चलिए आप लोगों को खेत में सब्जियां दिखा देते हैं। तो देखिए कितनी बड़ी हो चुकी है और ये बोधी और बोरी जो है ना अब फूल भी दे रही है और निनुआ जो है वो ना छोटा सा उसका बेबी फ्रूट जो आया है, मतलब जो छोटा बच्चा जो होता है देखिए इसका आ चुका है। तो कुछ दिन में जो है सब्जी भी निकलेगी। तो इतना काम करने के बाद किसको टाइम रहेगा अच्छे से एकदम तैयार होकर ब्लॉग बनाने की। जल्दी सी रहती हूँ ना मैं, मतलब जैसे हूँ वैसे ही ब्लॉग बना लेती हूँ, जैसे उठती हूँ, जैसे नॉर्मल घर में रहती हूँ, जैसे रियल रहती हूँ वैसे ही ब्लॉग बना लेती हूँ। टाइम किसे मिलता है जो अच्छे से तैयार होकर उसके बाद ब्लॉग बनाऊँ। तो जो पहनती हूँ, जैसे रहती हूँ, उठती हूँ और स्टार्ट हो जाती हूँ, जहाँ मुझे लगता है कि नहीं मुझे अब जो है ब्लॉग बनानी चाहिए, मैं क्या कर रही हूँ, आपके साथ क्या शेयर करना चाहिए, मुझे वो बनाना चाहिए, तो मैं बस कैमरा उठा के और तैयार मतलब स्टार्ट हो जाती हूँ। तो मेरे पास टाइम नहीं कि मैं अच्छे तरह से एकदम तैयार होके उसके बाद ब्लॉग बनाऊँ। मैं जैसे रहती हूँ, जो करती हूँ वही मैं शूट करके आप लोगों को दिखा देती हूँ। कुछ मतलब एक्स्ट्रा इसमें ऐड नहीं करती, चाहे कुछ नहीं सोचती कि मुझे ये बनाना है, ऐसे दिखाना है, ऐसा कुछ नहीं। जो रियल है मैं वो शूट करके आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो बस यही है। और जिस दिन मैं अच्छे से रेडी भी होती हूँ तो उस दिन भी ब्लॉग बना लेती हूँ, तो वो आप लोगों को दिख ही जाता होगा कि अच्छे से रेडी होके ब्लॉग बनाई है। तो मैं जिस दिन कहीं जाती हूँ या कुछ करती हूँ या कुछ रहता है तभी मैं रेडी होती हूँ, तो साथ में ब्लॉग बनाती हूँ, तो ऐसे आप लोगों को दिख जाता होगा। मगर मैं ऐसे ही रहती हूँ, मैं ऐसे ही ब्लॉग बनाती हूँ, सिंपल सी जो है सो है। तो बस यहाँ मैं सारे काम निपटा के और अब आ गई हूँ अपना लंच की तैयारी करने के लिए, ब्रेकफास्ट की तैयारी करने के लिए। तो आज मैं लंच में सिंपल कुछ नहीं बनाऊँगी, बस चावल और जो है ना पालक आलू वाली सब्जी बनाऊँगी। और ज़्यादा लंबा ब्लॉग भी आज नहीं बनाऊँगी क्योंकि ना तबीयत आप लोगों को पता है, उस दिन मुझे लग रहा था कि मेरा तबीयत ख़राब होगा और फाइनली मेरा तबीयत ख़राब भी हो गया। तो आज के ब्लॉग का मैं यहीं एंड करूँगी। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग एंड वीडियोज़ में। उम्मीद है पसंद आया होगा, लाइक किए हुए बिना मत जाइएगा और ढेर सारा प्यार दीजिए आप लोग मेरे ब्लॉग को। बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।